नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीटा के बारे में। रीटा से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट आया, 4 तारीख की डेट में आया, तो सीधी बात है इसका प्रभाव मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रीटा के बारे में सीएमडी इनके जो है रीटा के, उनका कहना है कि जब एक 16 स्टेक होल्डर मीटिंग चल रही थी तो उसमें कहना है इनका कंपनी का टारगेट है कि एमिशन प्रो टारगेट 500 GW इंस्टॉलेशन कैपेसिटी एक तरह से सेटअप करना है फ्रॉम नॉन फोसिल सोर्स बाई 2030 का। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म इनका विजन है जो कि अच्छा विजन है और जिसके शेयर्स में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक देख लीजिए यहाँ पे डेट भी बता दे रहा हूँ, 4 मई 2024 को ये डेट पे आया है, तो इसका प्रभाव जरूर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी आते हैं हम अपने टेक्निकल्स को समझने के लिए, मंडे का मूव इसमें क्या रह सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए सपोर्ट एरिया जो है ना इस कैंडल के लो तक का रहेगा, वो है 171 तक का एक सपोर्ट एरिया है। राउंड फिगर में 170 तक का भी आप रख सकते हो और पहला टारगेट रहेगा 192 का। अभी निफ्टी का एक प्रेशर रहा, दूसरा यहाँ पे देखो जब गैप अप ओपनिंग हुआ था थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा था, मगर एक दिन अच्छा साइड रहा, फिर दूसरा दिन तो निफ्टी की वजह से डाउन साइड आया। तो मूव अभी भी है अपसाइड जाने का, पहला टारगेट 192 का है, फिर 192 को मिलने के बाद में 200 रुपये तक का फिर दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि इस कैनल के यहाँ तक का रहेगा। जैसे 200 का एक बार मिल जाए तो फिर अच्छा सा ऑल टाइम हाई हमारा 220 रुपये तक का देखने को मिल सकती है, 220-215 तक का देखने को मिल सकती है। सपोर्ट एरिया याद रखिएगा 171, अगर इसको ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर फिर दोबारा देखने को मिल सकती है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।